कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ फिर चली जेसीबी। मंडी की जमीन को पूरी तरह किया जा रहा मुक्त। कभी अनूपपुर की आजादी की कहानी कहने वाला स्थान मंडी का वह स्थल जहां 15 अगस्त 26 जनवरी में ध्वजारोहण होता था, वह अतिक्रमणकारियों के चलते धीरे धीरे अतिक्रमण की चपेट में आ गया था। आजादी का अर्थ नई पीढ़ी के सामने लगभग समाप्त सा हो गया, लेकिन कलेक्टर आशीष वरिष्ठ की नजरें जब लोग सोकर नहीं उठते तो वह नगर का भ्रमण कर अपने घर की ओर चले जाते थे। कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ फिर चली जेसीबी। मंडी की जमीन को पूरी तरह किया जा रहा मुक्त। कभी अनूपपुर की आजादी की कहानी कहने वाला स्थान मंडी का वह स्थल जहां 15 अगस्त 26 जनवरी में ध्वजारोहण होता था, वह अतिक्रमणकारियों के चलते धीरे धीरे अतिक्रमण की चपेट में आ गया था। आजादी का अर्थ नई पीढ़ी के सामने लगभग समाप्त सा हो गया, लेकिन कलेक्टर आशीष वरिष्ठ की नजरें जब लोग सोकर नहीं उठते तो वह नगर का भ्रमण कर अपने घर की ओर चले जाते थे। उनके गोपनीय दौरे से शहर की फिजा बदलना प्रारंभ हो गई। अनूपपुर शहर दो भागों में विभक्त है और दोनों ही भाग अतिक्रमणकारियों की चपेट में आ चुके हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना में चौड़ी सड़कें, चौड़ी गलियां अतिक्रमण की चपेट में आने से आवागमन को बाधित कर रही हैं, जिस पर कलेक्टर की नजर बनी हुई थी और उन्होंने समय सीमा बैठक पर अनुविभागीय दंडाधिकारी अनूपपुर एवं मुख्य नगरपालिका अनूपपुर को निर्देशित किया था। जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले के अतिक्रमण हटाए जाएं, उस दिशा में कार्य भी हुए, लेकिन कार्य पूरी तरह से नहीं हो पाने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद थे। सब्जी मंडी में अभी कुछ दिन पूर्व अतिक्रमण हटा था, लेकिन 26 मई को फिर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया।